कोरोना की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की स्थिति गंभीर होती जा रही है। दिल्ली में रोजाना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। इन सबके बीच पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। कांग्रेस ने दिल्ली में कोरोना संकट से जुड़े हालात के नियंत्रण से बाहर होने का दावा करते हुए बृहस्पतिवार को बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि इस बड़े संकट के समय में दोनों ने मिलकर दिल्ली का बंटाधार कर दिया है। सिंघवी ने कहा, आज की स्थिति में अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त स्तर पर कोविड जांच नहीं हो रही है, शवों के अंतिम संस्कार के लिए कतार लगी हुई है। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि अस्पतालों के 70% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार खुद कह रही है कि इस महीने और जुलाई में मामले बढ़ सकते हैं। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।